तो गाइस 2 तारीख को यानी कि मेरे बर्थडे के एक दिन बाद जो मुझे गिफ्ट मिलेगा वो साधना देगी और वो मुझे ये गाड़ी देने वाली है जो कि हमने बुक कर दी है। भैया आप सुन ही रहे होगा, 2 को नहीं मिली तो कैंसिल मैं कर बिल्कुल दूँ। बिल्कुल कैंसिल कर देना। तो 2 तारीख को हमें गाड़ी मिल जाएगी। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ब्लॉग चैनल पर। और ये देखिए मम्मी खा रही हैं खाना, टाइम 12:30 बज चुके हैं तो काफ़ी लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे इनका बन रहा है खाना, और ये राधे राधे। राधे राधे। और ये आज से 9 दिन तक रहेंगी व्रत, और क्योंकि आज से नव दुर्गा स्टार्ट हो गई हैं तो नवरात्रि, तो 9 दिन तक ये रहेंगी व्रत। और हमारे घर में केवल यही व्रत है, मम्मी नहीं है। शायद मम्मी भी रहती थी पहले, पूछते हैं मम्मी से। आप भी रहते थे पहले हैं? मम्मी भी रहती थी पहले व्रत। और तो इस साल मम्मी नहीं है व्रत क्योंकि अब और घर एक में, जन है ना सुनेंगे दो। हाँ मम्मी बोल रही है एक जन है तो दो दो नहीं रह सकते। और ये देखिए मम्मी का हो रहा है लंच। लंच में है ये दूध और लौकी की सब्जी और रोटी। तो मम्मी का तो चल रहा है लंच और ये बना रही है। तो बताइए फिर कैसे कटने वाले हैं 9 दिन? खूब फल फ्रूट खाना है तो वो बताओ। माता रानी की कृपा है, नवरात्रि की हार्दिक अरे वो शुभकामनाएं। तो ठीक है लेकिन फल फ्रूट खाने बाको का रोटी नहीं मिलती, ही रोटी बिना कुछ। हम तो तुम लेके देखो ना, तुम एक मैं दोनों रखे एक हैं महीना के ला रहे हूँ बिना रोटी सब्जी लो। के। ठीक है हम तो कहते तुम लेके तो देखो, लेके, लेके देखो ना, हम लोग आए तुम्हें फल फ्रूट सब बिल्कुल दिन तुम चलो लेके ठीक खा ठीक लो। ठीक आज से मैं भी हूँ, मैंने कछु नहीं खाओ। तो गाइज मैं भी हूँ आज से। और आइए चोरी से खा लेते ही तो मतलब मैं जो कहूंगा वो भी ला के देना पड़ेगा। बर्फी, बंगाली, रसगुल्ले। बंगाली नहीं बंगाली खाने आज। नहीं खाना है? तो बंगाली नहीं काहे में आज मैं बहुत डर जाती, थोड़ा बहुत पाउडर का सुबह सुबह लो बजा भैया। देती हूँ। बंगाली खाने नहीं आउ, बर्फी खाने आउ। बर्फी अलग है। बर्फी खोवा वाली खा काका खाने सकते हैं हैं, पड़ा जो बताओ पहले। फल फ्रूट भी खा सकते ही, हाँ खिचड़ी साबूदाने खा सकते ही, खीर खा सकते ही। चलो, तो तुम फल फ्रूट ले आते रहियो मिला, रोज जूस ले आइयो, अनार को, मौसम्मी को, केला, सेब। ठीक है 9 दिन तक कछु नहीं खाने हैं तुम्हें। अरे मैं नौका, मैं जिंदगी भर रहे हो इतो अच्छो खावे खिलाने। तो बहुत बता दी धोंद पचके वाली बात नहीं है, कितो बढ़िया बढ़िया फल आओ फ्रूट हाथी के लिए उतने लो। बर्फी। तो बोला रहता है ठीक है, इंसान इंसान हर चीज से अगाला तो रोटी से कभी उम्मीद नहीं अगाता ही। चलो वह जो चलो लगते ही रोटी मिल जाए खावे। चलो ठीक है, ओके कोई बात नहीं। तो गाइज हम इनको कार्तिक सपोर्ट करेंगे पूरी तरीके से 9 दिन तक, में तो 1 महीना नहीं मिलते ही खावे। सबको पता है। ठीक है मैं काय कह बता रहा रहा है है। तो हम इन्हें 9 दिन तक सपोर्ट करें कि रोटी नहीं खाओ तुम, रोटी खावे को इनको मन बहुत करे क्योंकि ऐसा कुछ ये भी बात नहीं सही है, है। इंसान कुछ भी खा ले लेकिन पेट उसका खाना मतलब रोटी सब्जी से ही भरता है। और ये देखिए फोन आ गया है, किसका है पता नहीं किसका है भाई। हेलो हेलो, आपके जियो नंबर के प्लान की अवधि खत्म हो चुकी है। समय की खत्म हो गई इनकी जियो की अवधि 9 दिन तक के लिए। ये सिस्टम बना दिया पापा ने। पापा ले आए केले, सेब और बर्फी, वो भज्जा पेठा। तो ये 9 दिन का है, 9 दिन का तो नहीं है पर जितने दिन भी ये चला सकें। तो ये आ गया इनका, ले भैया खाओ पियो ऐस करो। तो इंसान ज्यादातर इंसान है नहीं, सब चीजें के लाने पास हो रहते हैं। देखो आम जिंदगी में किने मिला जे खावे बढ़िया, केला, पेठा, वो खाते सेब। नहीं है हमारे तो रोजीना आते। तो रोजीना तो आते लेकिन मिला तो नहीं है ना सबको अकेले। आप ये तो तुम्हें अकेले कहेंगे मम्मी ना कैसी कह रहे, रोजीना नहीं है, रोजीना ले आते मम्मी पापा सामान। तो जो तो मतलब कि वैसे ज्यादातर तुम ही खाओ ना इनमें से। तो भाई अब ठीक है, लीवर हटाओ इनको जो फरा रहा हो एक तरीका से। अब जो 9 दिन तक कितने दिन तक हो ये करीब? जो अब मैं सब खुदा ने नहीं है, सब खुदा ने मनाने। देखिए कितनी गजब है, वाह। चलो ठीक है, तो फिर पता नहीं 3-4 दिन का होगा कैसे करीब, ये 2-3 दिन खा लोगे या क्या पता आज ही शाम तक खत्म हो जाए। इनका चल रहा है फरार, फलाहार फरार गुआ, फरार नहीं गुआ, ककवाद फलाहार फलाहार।
तो इनका चल रहा है फलहार, फलहार में है ये कौन सी गजा के मम्मी, खाकस लज्जा गजक है। आप लोग कमेंट करना इस गजक को क्या बोलते हैं आपके यहाँ इस गजक को। और ये पेठा है और देखिए ये केले और सेब। तो बढ़िया भाई, खूब मजा आ रहा होगा आपको व्रत रह के। अब कल को भी रखो पेठा, परसों को भी फिर रखो जी, नौ बाल वाओ। चलो तो बढ़िया है, ये अपना फलार कर रही है तो कर लीजिए भाई अपना फलार। ओके ठीक गाइस, पापा को कितनी बार मैंने बोला है कि लेट के नहीं खाना चाहिए और पापा हमेशा लेट के खाते हैं। आप देखिए उठ गए। और यहाँ देखिए मम्मी आराम कर रही हैं और सामने टाइम हो गया है 1:30 बजने वाला है, तो अब वही करीब 3 बजे मम्मी पापा खेत पर जाते हैं, ये आराम करने का टाइम है। तो आप वैसे लेट जाओ लेकिन खाते पीते टाइम बैठ के ही खाना चाहिए, लेट के नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है। ठीक है, हाँ लेट के कभी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। मम्मी भी मना नहीं करती, आप मना क्यों नहीं करते? पेट पेट में बहुत सी चीज़ें होती हैं, दिक्कत बीमारियाँ होती हैं, पेट की बीमारी हो जाती है कोई। ठीक है, तो पापा फिलहाल खा रहे हैं एप्पल। और आप लोग कमेंट करना, पापा को बोलना, पढ़ाऊंगा कमेंट के लेट के नहीं खाना चाहिए और नुकसान भी बताना लेट के खाने के क्या क्या नुकसान है। तो गाइस हम लोग कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं वो आपको वहीं जाकर पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए साधना तैयार हो रही है और मैं तो तैयार हो चुका हूँ। आपको तो पता ही है कि बीबियाँ कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में। कह रही अभी 1 ही घंटा तो हुआ, तो मतलब का 5-6 घंटा में वो तो सारी नहीं पहन पाता, मतलब जहाँ जा रहे हैं वो काम ही ना हो पाया यार। सही है यार। तो गाइज मुझे तो मात्र देखो जूते पहने, जीन्स पहनी, टी शर्ट पहनी, बस क्रीम व्रीम कुछ भी नहीं लगाई, नॉर्मली चेहरा है भाई, कुछ भी नहीं यूज करता हूँ, कभी कभार कर लेता हूँ। और इनको तो भाई समझ ही नहीं सकते। अब मैं कम से कम आधा घंटा से बैठा था, मैंने चलो आप लोगों को बता दूँ कहीं हम लोग जा रहे हैं, और बड़ा ही सोच समझ के डिसीजन लिया है वहाँ जाने का जहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों को वहीं मिलते हैं जहाँ हम जा रहे हैं। ठीक है जी, बस जल्दी जल्दी तैयार हो जाए फिर पहुँचते हैं हम लोग। गाइस देखिए हम लोगों ने मास्क वगैरह लगा लिया है, तो प्लीज़ आप भी कहीं जाओ तो मास्क वगैरह लगा के जाया करो। और अब हम लोग जाने के लिए रेडी है बिल्कुल। ये देखिए अपनी जुपिटर भी खड़ी हुई है, तो इसी से जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं वहीं मिलते हैं आपको। तो ये देखिए गाइस जहाँ हमें आना था वहीं हम आ चुके हैं। काफ़ी सस्पेंस था हमने आप लोगों को बोला, और आज हम फिर से आए हैं टाटा मोटर्स। और किस लिए आए हैं वो आपको अंदर ही जाके पता चलेगा। ठीक है, हम लोग शोरूम में आ गए हैं, ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और अब फाइनली हम आपको बता देते हैं, और वो ये है कि हम लोग आए हैं कार बुक करने। किस लिए आए हो बताओ? कार बुक करने के लिए। बुक करने के लिए कौन सी? अच्छा, तो ये भैया भी आ गए हैं बुक करने के लिए आए भैया। कर दीजिए, लाइए दीजिए। जरा पहले हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझा दीजिए। तो गाइज अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर बुकिंग की जो भी प्रोसेस होता है वो आपको हम दिखाते हैं। अभी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो गाइज हम जा रहे हैं ATM, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट वहाँ हो नहीं रहा है, तो बुकिंग की पेमेंट वही 1 लाख रुपये करनी है। ये ATM पे पहले से ही लाइन है, वह ऑलरेडी पहले ही से ही काफ़ी लेट हो चुके हैं। अब देखते हैं कब तक क्या होता है भाई। ये देखिए गाइज बुक कर दी गाड़ी तुमने, कौन सी करी? टाटा हैरियर की। कौन सी वेरिएंट बताओ उसका? देखो यहाँ कितना धीरे बोल रही है, घर पे कैसे चिल्लाती है। तो गाइज बुक हो चुकी है हमारी टाटा हैरियर XT प्लस डार्क एडिशन 2021। और ये है लक्ष्मी जी जो जा रही है बुकिंग के तौर पे। ठीक ठीक गाइज 2 तारीख को यानी कि मेरे बर्थडे के 1 दिन बाद जो मुझे गिफ्ट मिलेगा वो साधना देगी, और वो मुझे ये गाड़ी देने वाली है जो कि हमने बुक कर दी है। और यहाँ पे टाटा हैरियर हमने बुक की है, और टाटा मोटर्स के जो लोग हैं यहाँ पे जो काम करते हैं लोग, तो उन्होंने हमें बताया है कि आपको बिल्कुल 2 तारीख को ही मिल ही जाएगी। और मैंने उनको बोल दिया है, भैया आप सुन ही रहे होगा, 2 को नहीं मिली
तो कैंसिल में कर दूँ। बिल्कुल बिल्कुल कैंसिल कर देना। तो 2 तारीख को हमें गाड़ी मिल जाएगी। और ये साधना बोल रही थी कि मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देने वाली हूँ, क्योंकि 1 नवंबर तरफ से नहीं है, पापा मम्मी की तरफ से। 1 तारीख को मेरा बर्थडे है और 2 तारीख को हमें ये गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है, जो आपके पीछे खड़ी हुई है, टाटा हैरियर, आप यही है वो गाड़ी, ठीक है। बट ये हमारी नहीं है, ये किसी और की बुक है। और आप लोग बोल रहे थे भाई टाटा हैरियर और रतन टाटा जी की गाड़ी ही खरीदो, क्योंकि वो हमारे देश के तो भाई आप लोगों की बातों का इफेक्ट पड़ा और सोचा बहुत यार कि क्यों यार हमारे देश का पैसा देश में ही रहे, तो हमने फिर टाटा हैरियर अपनी बुक कर दी। तो गाइस 2 तारीख को अभी हमारे पास गाड़ी आ जाएगी और फिर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए हमसे, बने रहिए। चलो चलो चलते हैं अपने घर पे। चलो गाइस लाइट अच्छी नहीं है यहाँ पर और हम लोग आए हैं रानी लक्ष्मीबाई पार्क, दूसरे वाले गेट से। दूसरा है, नंबर 1 गेट है। अरे नहीं बस सब्जी से आते थे। ओ गाइस हमने पार्क पूरा घूम लिया है, घूम लिया और घूमना। तो देखिए गाइस ये हमारी झांसी की रानी, ऊपर आपको वहां देख रही होंगी, और ये है हमारी तुम्हारी रानी, ये हमारी रानी है गाइस, हमारा झांसी की रानी की वजह से ही जाना जाता है। और ये पार्क उन्हीं की वजह से, उन्हीं के नाम से ही पार्क है ये रानी लक्ष्मी पार्क। पार्क बहुत बढ़िया पार्क है, झांसी का सबसे बड़ा पार्क है ये, ठीक है। घूम लिया और घूमना चले। चलो ठीक है। तो गाइस हमारे पास एयरफोन नहीं थी, ये वाली तो थी मेरे पास, तो दोनों के पास एयरफोन नहीं थी, मुझे वीडियो एडिटिंग करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो साधना ने याद दिलाया कि एयरफोन ले लेते हैं, तो हमारे आसारी में ही भैया की एक शॉप है, वहीं से हम लोग चेक कर लो फोन से, कैसी पागल है बोल रही चेक कर सकते हैं। तो एयरफोन वगैरह कुछ भी हो चेक करके ही ली जाती है। मुझे तो ये लीड पसंद आई है और इस लीड की गारंटी है, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। और ये लिए साधना ने, जो कि ये काफ़ी महंगी आई है और इसकी 3 महीने की वारंटी भी है, अगर टूटती है बार बार महंगा रोए। हाँ तो ये इसकी वारंटी भी है 3 महीने की, भाई बढ़िया है। और ये हमारी हमने ली है सिंपल। चलो भैया ये वाली भी पैक कर दो। गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे, आ गए घर पे, नहीं रास्ता में है, रास्ता में अबे नहीं आए। चलो ठीक है, साधना बोलती है मैं नॉन वेज खाती नहीं हूँ, क्यों क्या खा रहे है ये? सिंगाड़े हैं लग रहा है वैसे कच्चे वाले हैं। तो ये देखिए गाइस इनका हो रहा है फलहार, और ये फलहार में खा रही है सिंगाड़े। अबे वो भगवान है पानी में वो। कैसा लग रहा व्रत रह के? बढ़िया, अच्छा लग रहा, भूख तो नहीं लग रही, रोटी तो नहीं खाना है? ले आऊं सब्जी रोटी ले आऊं? अरे मन में तो है, तो गुस्सा हो रही मम्मी, कह रही नौदर नहीं रहे अंदर, काहे कह रही है पहले जैसी हिम्मत नहीं बची, कह रही है अब ऑपरेशन भी होगा और इतनी दुनिया भर की परेशानी, कह रही है अब नहीं रहना नौदर। फिर कैसे रहना है? गुस्सा हो रही, अगर भी रहने तो रह लेना। मम्मी जो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन भी होगा और आप पहले जैसी ताकत नहीं है। अच्छा। पहले बनी रहती अब नहीं रह पाओ, तो अब 9 दिन नहीं रहने और वही उठती बैठती बनी रहो। उठती बैठती मतलब उठ के रहो पास ही, फिर बैठ जाओ फिर पास ही रहो, ऐसा नहीं मतलब आज पहले दिन रह लो। हाँ। फिर 8वें दिन रहते फिर। हाँ। नहीं पहले दिन फिर 5वें दिन। हाँ। और फिर 8वें दिन। हाँ। और फिर 9वें दिन। ओ इसको उठते बैठते कहते हैं, मैं सोचा उठ के पहले उठ जाओगी फिर बैठ जाओगी फिर व्रत। तो चलो ठीक है गाइस इनका हो रहा है डिनर। तो गाइस रात के बज चुके हैं 9 और हम अपना करते हैं डिनर। डिनर में आज रोटी और ये भाजी, पता नहीं काय की भाजी है, क्यों भाजी किस चीज़ की है ये? लो इसको साधना को भी नहीं पता है, तो जो भी है भाई ये आप कमेंट कर देना काय की भाजी, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है देखिए। तो चलो करते हैं अपना डिनर। तो ये केवल सिंगाड़े जो रखे थे वो कच्चे थे, इनने उबाल लिए और अब हो रहा है इनका असली फलहार। ये है ना असली फलहार, तो ये फलहार कर रही हैं जिसमें कि पेठा, गजक, केले और ये सिंगाड़े, दूध और पानी। तो भैया उपास रहने का ये फ़ायदा होता है या नुकसान होता है मुझे नहीं पता, पर मुझे तो फ़ायदा ही लगता है। खा लो अब का सोच रहा है, खाओ आराम से खाओ। खा लो
इस रात के बज चुके हैं 11:30 और साधना तो सो गई है और मुझे इस ब्लॉग को एडिट करना है, तो वही करीब 2 बज जाएंगे एडिटिंग और अपलोडिंग के लिए मुझे तो जागना पड़ेगा। और साधना सो गई है और आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और हम लोगों ने टाटा हैरियर बुक कर दी है, तो जल्दी वो मिल जाएगी, 2 तारीख को मिल जाएगी, 2 नवंबर को, मतलब धनतेरस है उस दिन, तो धनतेरस वाले दिन हमें मिल जाएगी। और फिर उसके बाद आपको इतने बढ़िया बढ़िया ब्लॉग मिलने वाले हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया ब्यूटीफुल जगह हम घूमने जाएंगे, मंदिर जाएंगे, तो समझ लो आपको एक आधी ब्लॉग घर का आपको देखने को मिलेगा, जो आप देख देख के बोर हो गए हो, मैं समझ रहा हूँ। और ब्लॉग आपको बढ़िया बढ़िया मिलेंगे, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग और राधे राधे।